दोस्तों मैं अशोक एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट के बारे में। अगर आपके एंड्रॉइड फोन में स्नैपचैट ऐप पड़ी हुई है, आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो कैसे आप हाइड कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी अप्लीकेशन को डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने स्नैपचैट को हाइड कर सकते हैं। इसके हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके स्मार्टफोन में भी आपको यहाँ पर देखा। आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दो तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा रियलमी का फोन है, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, अगर आपका यहां पर वीवो का होगा या फिर हो सकता है ओप्पो हो या फिर कोई और फोन हो सकता है आपका, तो यहां पर सारे स्मार्टफोन में ये फीचर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप यहां पर इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स, आपको यहां पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहाँ से बैक हो लेना है। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कई सारे सेटिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अपने एप्लीकेशन को हाइड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड ऐप यहाँ पर क्लिक करके आ जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम अपना यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बार अपना पासवर्ड बनाना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पर चलिए मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाला तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में जितनी भी एप्लीकेशन होगी यहाँ पर आपको शो कर जाएगी। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर स्नैपचैट को हाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्नैपचैट की आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रही होगी, आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं, उसके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बैक खो लेना है, इस प्रकार से यहाँ से आपको बैक खो लेना है। और जैसे आप यहाँ पर बैक खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्नैपचैट का एप्लीकेशन था यहाँ पर हाइड हो चुका है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर हाइड नहीं हुआ है, अभी भी हाइड नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका हाइड नहीं हुआ है इतना कुछ भी करने के बाद, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जितना मैंने आपको यहाँ पर सेटिंग बताया उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पावर का यहाँ पर जो आपका बटन होता है आपको यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करना है इस प्रकार से। और जैसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे इस प्रकार से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा रीस्टार्ट का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप अपने फोन को रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद में आपका फोन ओपन होगा तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, तुरंत आपकी जो ऐप थी वो हाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसको हाइड कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।